की क्लास में हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे 2018-19 का। इस पेपर में हमें 4 सेक्शंस दिए हुए हैं। आज की क्लास में हम उसका फर्स्ट सेक्शन सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे और ऐसे करके हम इसके सारे सेक्शंस सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच पॉइंट पी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर ए बाई 3, 2 इज द मीड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स क्यू एंड आर, और क्यू और आर के भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट पी जो है वो पॉइंट क्यू और आर इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, और हमें क्यू और आर इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू गिवन है, और हमें पॉइंट पी कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू गिवन है। पर पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक अननोन है, हमें उस अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, उस ए को फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट देखिए क्वेश्चन में, ये हमें गिवन है -5, 4, और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -1, 0, एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं a/3, 2, और हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो इसमें देखिए, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी की थी तब हमने स्टडी किया है कि अगर किसी भी टू पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें गिवन है तो हम उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर, दिस आर x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 ये होता है, और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये x की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है तो हम इस x से डील करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x = x1 + x2/2। यहाँ पर x1 और x2 किसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये पॉइंट q और पॉइंट r के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी x वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर इसे मान लिया गया है x1 y1, दिस इज x2 y2, और ये है x, y। तो यहाँ पर x1 है -5 और x2 की वैल्यू है -1, और x क्या है, x इज a/3। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a, और यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दिस इज -6। तो यहाँ से a हमें मिल जाएगा 3 × -6/2, सॉल्व करिए ये हमें मिल गया -9। मतलब हमें इस पूरे की वैल्यू क्या मिल गई, -9, और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मतलब हमें यहाँ से इस a की वैल्यू क्या मिल गई, -9, और यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल जाएंगे, दिस इज -3, 2, क्योंकि यहाँ पर a/3 है। जब हम a की प्लेस पे -9 पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा -3, 2। हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज -9, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 root ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 14x + 8 = 0 इज 2। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में अननोन वैल्यू है k, इस वैल्यू को फाइंड करनी है। अगर इसका एक रूट हमें गिवन हो तो हमें यहाँ पर गिवन है x = 2 is 1 root of this quadratic equation।
तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k इंटू 4 माइनस दिस इज 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4k और माइनस 28 प्लस 8 सॉल्व करेंगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफ़र करेंगे तो k हमें मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 5। तो k की वैल्यू हमें मिल गई 5। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 होगा तो उस कंडीशन पर k हमें मिल गया 5। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन के हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें और करके इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है, या तो हम इसे बनाएं या हम उस ऑप्शनल क्वेश्चन को बनाएं। तो उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें गिवन है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो हमें मालूम है कि अगर रूट रियल होते हैं तो उस कंडीशन पर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम लिख सकते हैं फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज 0। और d क्या होता है, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम पढ़ चुके हैं। और d की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं और इसमें b और a c की वैल्यूज पुट करते हैं तो इस इक्वेशन से b हमें क्या मिल जाएगा, हमें मालूम है इक्वेशन हमें मिलता है एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म पे। तो b की प्लेस पे क्या है 5k, तो ये हो गया 5k होल स्क्वायर। a की प्लेस पर है यहाँ पर 1 एंड c की प्लेस पर है 16। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 64। यहाँ से k हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 25। सॉल्व करेंगे तो k हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 8/5। तो ये वैल्यू हमें k की यहाँ पर मिल रही है प्लस माइनस 8/5। इसे करेंगे और इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस गिवन हैं, उनमें से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी हम दोनों करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट गिवन है राइट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/ साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। 1/ साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें मालूम है 1/ साइन इज कॉसेक, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो ये भी हो गया स्क्वायर। अब हमें एक फॉर्म मालूम है जो हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किए हैं, दैट इज 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें मालूम है। तो अगर हम इसी वे में देखें और हमने कॉसेक को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हमें इस तरह से मिलेगा, दिस इज 0। और हमें यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वैल्यू के लिए अगर हमने इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या हो जाएगा -1। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट इक्वल टू -1।
तो ये बहुत ही आसान है, वन लाइन क्वेश्चन है, इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है, हम आसानी से इसे बता सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया, हमें गिवन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू टेन थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये है, तो हमें टू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तो टेन की किस एंगल पर वैल्यू वन होती है, तो हमने पढ़ा है टेन फोर्टी फाइव डिग्री इज वन, टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू वन होती है, तो वन की प्लेस पे हमने लिख लिया टेन फोर्टी फाइव डिग्री। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो हमें थीटा क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो देखिए, हमें फाइंड करनी है 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू थीटा की प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री का स्क्वायर। 1045 1 होता है तो ये एज इट इज हो गया 2, यहाँ से cos 45 तो हमें मालूम है cos 45 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, और जब 2 प्लस 1 बाई 2 को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5 अपॉन 2। तो ये जो हमें गिवन था इक्वेशन, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 अपॉन 2, और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ऑप्शनल थे, हमने देखा कि इसके जो पहले वाला क्वेश्चन हमने बनाया उसमें हमें थोड़ा भी टाइम नहीं लगा और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हमें ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन से हम अपने टाइम कम से कम कंज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से इसे करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे हमें मिल रहा है इफ़ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n+1 व्हाट इज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स। हमें किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म गिवन है 2n+1 और इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट थ्री टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो अगर ये nth टर्म है और अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करने जाते हैं an = a+n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है, अगर हमने इससे सॉल्व किया और an की प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट की तो हम देखेंगे कि यहाँ पर a भी अननोन है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर d ये भी अननोन है, तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं और ये nth टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम सबसे पहले n = 1 पुट करते हैं। तो जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया a1, दिस इज 2 × 1+1, दिस इज 3। फिर जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तब हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा a2, दिस इज 2 × 2+1, दैट इज 5। एंड जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगा 2 × 3+1, दिस इज 7। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स मिल गए और हमें सम फाइंड करना है, तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, इसके लिए हम इन थ्री टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3+5+7, दिस इज 15। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम हमें मिल गए 15 और ये फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम हमें
फाइंड करने थे, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें ये मेथड याद रखना है। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, इन फिगर AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एंगल ADE इज 48 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें गिवन है कि AD, A से लेकर D ये जो डिस्टेंस है ये है 6 सेंटीमीटर और DB ये डिस्टेंस यहाँ पर हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, A से लेकर E तक का डिस्टेंस ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और E से C तक का डिस्टेंस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये एंगल हमें गिवन है 48 डिग्री और ये वाला एंगल एंगल ABC ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस फिगर को देखकर हमें कौन सा थ्योरम याद आ रहा है? तो हमने इस तरह का फिगर कब बनाया था ये हमने स्टडी किया है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमने किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को हम लेते हैं इस तरह से और इस साइड से अगर हमने एक लाइन इसके थर्ड साइड के पैरेलल डाली इस लाइन पर, तो उस कंडीशन पर ये जो टू पार्ट्स में बढ़ते हैं इनके रेशियो एक समान होते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर रेशियो एक समान है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज मालूम है, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या रेशियो, थेल्स थ्योरम के जो रेशियो हम फाइंड करते हैं वो एक समान है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ से फाइंड करते हैं AD/DB। AD की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2/3 अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे। फिर हम फाइंड करते हैं AE/EC। AE इज 8 सेंटीमीटर एंड EC इज 12 सेंटीमीटर, 4 से कैंसिल करेंगे तो भी ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि AD/DB जो है वो इक्वल है AE/EC के। और हमने पढ़ा है कि अगर ये रेशियो इक्वल होते हैं दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमें मिल गया BC इज पैरेलल टू DE। ठीक है, अब पैरेलल प्रूफ करके हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 48 डिग्री, या हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। ये टू एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम लगाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 टर्मिनेट। हमें ये पूछा गया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो इसका डेसिमल एक्सपांसन है इस एक्सप्रेशन का वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसे हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे? हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो 5 की पावर 3 है ये 5 टू द पावर 4 हो जाएगा और उस कंडीशन पर 2 और 5 इनके पावर एक समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, इस तरह से ये हमें मिल गया। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 5 3 15 एंड 5 2 10, 10 प्लस 1 इज 11, 115।
और इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5⁴। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के पावर एक समान है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो ये यहाँ पर हमें मिल गया 115/10⁴। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 115/10,000। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10⁴ है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब डेसिमल के फॉर्म पर अगर हम इसे लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.0115। ये इस तरह से मिल गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये हमें मिल रहा है, पर 4 डेसिमल प्लेस के बाद इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, इधर हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल एक्सपांसन विल टर्मिनेट। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस डेसिमल एक्सपांसन विल टर्मिनेट। तो ये हमें क्वेश्चन में ये हमें एग्जाम में लिखना है, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। आज हमने सैम्पल पेपर का सेक्शन ए पूरा सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी देखेंगे।